Dear students, today I'll discuss about a question which is included in your syllabus of SS second year alternative English. In our previous year, in SS first year, I already have discussed the topic tech question, and this year it is also included in the syllabus, so I'm going to discuss it with you. I'll discuss in Hindi, and I have made the note. I have made the notes already and I will explain the notes with you and will share to you today. So first of all, see question tag with examples. First of all, what is tag question? Tag question kya hai? Ye bataya gaya hai idhar. Ye basic idea hai hum logo ko. Phir bhi hum thoda sa usko revise karenge. Question tag. A question tag is something. A question tag is something which can turn a statement into a question. Statement. कोई भी स्टेटमेंट हो उसको क्वेश्चन में हम बदल सकते हैं क्वेश्चन टैग के जरिए. और बेसिकली क्वेश्चन टैग क्यों जरूरी है और क्या है, मतलब हम कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी बात किसी को पूछते हैं, कहते हैं, तो उस बात को और ज़ोरदार तरीके से बताने के लिए या उसका सपोर्ट पाने के लिए, जो बताया हमने उसका सपोर्ट पाने के लिए हमें हम जो क्वेश्चन करते हैं आखिर में, जैसे कि इधर दिख रहा है तुम लोगों को, शायद एग्जांपल इधर दिया हुआ है, यू डोंट ईट मीट. ये स्टेटमेंट अगर मैं किसी को बोल लूँ यू डोंट ईट मीट, तो उसको सपोर्ट पाने के लिए हाँ या ना के बदले हम टैग क्वेश्चन से पूछते हैं वो डू यू. यू डोंट ईट मीट, तुम गोश्त नहीं खाते हो, नहीं खाते. डू यू, खाते हो क्या? तो ऐसे पूछते हैं और इसी को टैग क्वेश्चन कहते हैं. तो इन दिस सेक्शन आई विल डिस्कस हाउ टू फॉर्म क्वेश्चन टैग इन इंग्लिश. टू फॉर्म द वर्ड टैग क्वेश्चन यू मस्ट फॉलो द रूल्स बिलो. सो कुछ रूल्स है टैग क्वेश्चन के, उस रूल्स को हम डिस्कस करेंगे अभी. तो पहला जो उसूल है टैग क्वेश्चन का, वो है द सब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट. द सब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट मैचेस द सब्जेक्ट इन द टैग. जो स्टेटमेंट हम बताएंगे उसमें जो सब्जेक्ट रखेंगे उस सब्जेक्ट को टैग क्वेश्चन में भी सब्जेक्ट रखेंगे, ये जरूरी है. जैसे कि यू डोंट ईट मीट, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ये यही सब्जेक्ट इधर भी यू हुआ है वैसे ही. नेक्स्ट पॉइंट, द ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब टू बी इन द स्टेटमेंट मैचेस द वर्ब यूज्ड इन द टैग. ऑक्सिलरी वर्ब और जो वर्ब रहेगा स्टेटमेंट में वही वर्ब हम टैग क्वेश्चन में भी यूज करेंगे. थर्ड पॉइंट, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव द टैग इज यूजुअली नेगेटिव एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब उल्टा पुल्टा. अगर जो स्टेटमेंट हम बताते हैं वो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन हमारा नेगेटिव में होगा, अगर नेगेटिव में है वो स्टेटमेंट तो टैग क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव में करना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा. इधर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले देखो. ही रीड्स, ही हैज रीड दिस बुक. तो इसमें हैज जो है ही के बदले एपोस्ट्रोफी एच जो है ये हैज समझा जाता है इधर. ही हैज रीड दिस बुक, सो हैज ये स्टेटमेंट पॉजिटिव में है. ही हैज रीड दिस बुक, वो ये किताब पढ़ चुका है, पढ़ा है. तो हैज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और ये स्टेटमेंट पॉजिटिव में है, इसलिए हैज नॉट बताया गया. और ही जो है सब्जेक्ट,
यही सब्जेक्ट हम टेक क्वेश्चन में भी रखेंगे. सो हैज़ नॉट ही. और कुछ एग्जाम्पल है, ही रीड दिस बुक. हाँ, ही रीड दिस बुक, ये पास्ट टेंस में है. रीड का पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल सेम है, तो इसीलिए इधर डिड नॉट हुआ है. डोंट बी कन्फ्यूज्ड, द वर्ब रीड हियर इज इन पास्ट. ओके, बिकॉज ऑफ दैट इधर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, बी वर्ब नहीं है, तो हम डू वर्ब लेंगे. और सेंटेंस अगर हमारा पास्ट टेंस में है तो डू वर्ब डिड हो जाएगा. और सेंटेंस अगर ये स्टेटमेंट मतलब पॉजिटिव में है तो इसको नेगेटिव करना पड़ेगा. सो डिडंट ही. अच्छा, ही इज रीडिंग दिस बुक. ही इज रीडिंग दिस बुक. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज रीडिंग दिस बुक, वो ये किताब पढ़ रहा है. सो ही इज हमारा विभाव है और ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है, इसलिए इज नॉट और ही हमारा सब्जेक्ट. वैसे ही इधर और कुछ एग्जाम्पल है, इधर ही हैड, ही वुड रीड दिस बुक, वुडंट ही, ऐसे सारा एग्जाम्पल है. ही कैन रीड दिस बुक, कैंट ही. कैन हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है, इसलिए कांट और ही सब्जेक्ट, कांट ही. ये तो गया. अभी एक्सेप्शंस इन फॉर्मिंग क्वेश्चन टैग. कुछ एक्सेप्शन है हमारे, वो बेसिक रूल गया एक, और ज़्यादा एग्जाम में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमको जानना पड़ता है, हम लोगों को जानना पड़ता है. लेकिन ये एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शनल रूल्स फॉर टैग क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. एंड क्वेश्चन ऑफन कम्स फ्रॉम दिस रूल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो रूल है, नंबर वन, स्टेटमेंट्स विथ नेगेटिव एडवर्ब्स. जो स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव एडवर्ब में रहेगा. नेगेटिव एडवर्ब किसको कहते हैं? ये एडवर्ब है हमारा नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, ये हमारा एडवर्ब है और ये नेगेटिव में है. नेवर, कभी नहीं, सेल्डम, कभी कभी, हार्डली, कभी कभार, रेयरली, वैसे ही, कभी कभार. तो ये मतलब नेगेटिव एडवर्ब है ये. तो नेगेटिव एडवर्ब से जो स्टेटमेंट बनेगा, हाँ, उसको हम कैसे टैग क्वेश्चन बनाते हैं, टैग उसका कैसा होगा. अच्छा, द एडवर्ब नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली हैव ए नेगेटिव सेंस, जो ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं तुम लोगों को. वी ट्रीट स्टेटमेंट्स विद दीज वर्ड्स लाइक नेगेटिव स्टेटमेंट्स, हम इसको नेगेटिव में समझेंगे. तो अगर नेगेटिव में है, हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा. सो द क्वेश्चन टैग नॉर्मली पॉजिटिव होगा. अगर नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली रहा तो वो नेगेटिव में समझा जाएगा उस स्टेटमेंट को, और उस स्टेटमेंट को हम पॉजिटिव में टैग करेंगे. एग्जाम्पल दिया हुआ है इधर, देखो, वी हैव नेवर सीन दैट. सो नेवर है, ये हमारा एडवर्ब जो है नेवर, ये नेगेटिव है ऑलरेडी. सो और हैव जो है, इसका हैव है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब. सो हैव को हम रखेंगे और वी सब्जेक्ट को भी रखेंगे, हैव वी, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, इसीलिए हमको ये टैग क्वेश्चन हम लोगों को पॉजिटिव में करना पड़ेगा. हैव वी, ये गया एक एग्जाम्पल. नेक्स्ट रूल नंबर टू, स्टेटमेंट्स बिगिन विथ आई एम. तुम लोगों को पता होगा शायद, फिर भी मैं ये बोलना चाहता हुआ कि वी यूज द वर्ब फॉर्म आर नॉट आई व्हेन द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट होगा, मतलब आई तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, होंगे तो आई एम के बदले एम नॉट नहीं होगा, आर और आर नॉट होगा. पॉजिटिव होंगे तो आर नॉट होगा, अगर नेगेटिव होंगे तो आर होगा. आई अगर सब्जेक्ट रहा तो, जैसे कि आई एम इंटेलिजेंट, तो इसमें होना चाहिए था एक्चुअली एम आई, लेकिन ऐसा नहीं है. सब्जेक्ट हमारा आई है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हमको आर और आर नॉट लिखना पड़ेगा. ये सेंटेंस में, सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको हम नेगेटिव करेंगे, आर नॉट आई. ये बेसिक रूल है, इसको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिक होंगे फिर भी इम्पोर्टेंट है बहुत. रूल नंबर थ्री, स्टेटमेंट्स बिगिन विथ लेट्स. जो स्टेटमेंट, जो हमारी बातें लेट्स
से शुरू होते हैं, जैसे कि लेट्स प्ले, लेट्स गो टू मार्केट। हाँ, वैसे सेंटेंस में, स्टेटमेंट में क्या होगा वो हम बताते हैं। वी यूज शैल वी, अगर लेट्स रहा तो हम क्या करेंगे, शैल वी आफ्टर सेंटेंस विथ लेट्स। अगर स्टेटमेंट में लेट्स रहा तो हम उसको क्या करेंगे, टैग करने के लिए शैल वी लिखेंगे। एग्जाम्पल, लेट्स टेक द नेक्स्ट बस, चलो हम पिछला वाला बस लेते हैं, तो उसमें क्या हुआ, शैल वी हुआ। लेट्स गो होम, शैल वी, तो लेट्स के बदले शैल वी होता है टैग क्वेश्चन में, इसको हमको याद रखना है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट नंबर फोर, रूल नंबर फोर, विथ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे टैग क्वेश्चन करते हैं वो देखो। समटाइम्स क्वेश्चन टैग आर यूज विथ इम्पेरेटिव इन्विटेशन ऑर्डर्स। इम्पेरेटिव सेंटेंस इन्विटेशन भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, बट द सेंटेंस रिमेन्स इन इम्पेरेटिव एंड डज नॉट रिक्वायर ए डायरेक्ट आंसर। उसके लिए डायरेक्ट आंसर नहीं, येस नो का जो डायरेक्ट आंसर है उसको हमें नहीं चाहिए होता है। तो वी यूज वोंट यू, इसको याद रखना है, वी यूज वोंट यू फॉर इन्विटेशन। जो इन्विटेशन होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस में, अगर इन्विटेशन है, किसी को बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, हम वोंट यू यूज करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस ज़्यादातर सेकेंड पर्सन में होते हैं, तो इसलिए यू सब्जेक्ट होगा, और इन्विटेशन हुआ तो वोंट इस्तेमाल करेंगे, वोंट ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। एंड कैन वी, कांट वी, विल यू, वुड यू फॉर ऑर्डर्स। ऑर्डर के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैन यू, कांट यू, विल यू, वुड यू, ये सब हम ऑर्डर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, इट्स ए ऑर्डर, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, ये इन्विटेशन नहीं है, ये ऑर्डर है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, विल यू, नहीं तो कांट यू, कैन यू, वुड यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर विल यू दिया हुआ है, लेकिन तुम कैन यू, कांट यू, वुड यू, हाँ, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, टेक ए सीट, ये एक इन्विटेशन है, टेक ए सीट, बैठ जाओ, ये एक आमंत्रण है, निमंत्रण है, ये पोलाइट है, तो इसको हम क्या करेंगे, वोंट यू, डायरेक्ट वोंट यू का इस्तेमाल करेंगे इसमें, वोंट यू, एक ही ये जो वोंट यू है इन्विटेशन के लिए, वोंट यू, और बाकी के लिए कैन यू, कांट यू, विल यू, वुड यू, ये सब ऑर्डर के लिए ये सब हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये गया तुम्हारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, नेक्स्ट रूल, विद देयर स्ट्रक्चर, विद देयर, देयर, देयर के बाद जिस स्टेटमेंट में देयर होगा तो उसको कैसे हम टैग क्वेश्चन करेंगे। व्हेन वी यूज द देयर स्ट्रक्चर, देयर इज रिफ्लेक्टेड इन द क्वेश्चन टैग, और देयर ही क्वेश्चन टैग में रिफ्लेक्ट होंगे। जैसे कि देयर्स नथिंग रॉन्ग, देयर्स नथिंग रॉन्ग, सो इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या है इस, और देयर जो है यही रिफ्लेक्ट होंगे इधर, देयर ही होंगे, सो इज देयर, ऐसा। देयर वेर नॉट एनी प्रॉब्लम्स व्हेन यू टॉक टू जैक, वेर नॉट नेगेटिव में है सेंटेंस, और वेर है इसका ऑक्सिलरी वर्ब, वेर को रखेंगे, और देयर है इसीलिए हम देयर को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेंगे इधर, देयर, देयर ही होंगे, सो वेर देयर। और ये जो नथिंग है ये नेगेटिव में है इसलिए इज देयर हुआ, और ये वेयर नॉट ये भी नेगेटिव में है इसलिए वेयर देयर हुआ, और देयर के बदले तो देयर ही होंगे, बस ये रूल भी गया। नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स विद नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन एज द सब्जेक्ट। नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, अगर किसी स्टेटमेंट में रहा तो उसको टैग क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। अच्छा, देखो कैसे करते हैं, वी यूज द प्रोनाउन दे इन क्वेश्चन टैग आफ्टर स्टेटमेंट्स विद नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, ईटीसी। नो वन, नोबडी, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन अगर सब्जेक्ट रहा तो उसके बदले हम क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे एज सब्जेक्ट टैग क्वेश्चन में। प्रोनाउन जो है दे वही इस्तेमाल करेंगे इन सबके बदले, मतलब नोबडी के बदले भी दे होंगे, नो वन के, समबडी के, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, सबके बदले ऑल इन वन
वो क्या होगा, दे होगा इसका सब्जेक्ट टैग क्वेश्चन में, अगर स्टेटमेंट में ये सब सब्जेक्ट रहा तो। अच्छा जैसे कि एग्जांपल दिया गया, देखो इधर, समबडी वांटेड टू बोरो जैक्स बाइक। समबडी जैसे कि हमें बताया गया, समबडी समवन, नो वन नोबडी, हाँ एवरीबडी एवरीवन, सबके बदले दे होंगे हमारा। तो समबडी वांटेड टू बोरो जैक्स बाइक, इसका तो विभव नहीं है, ऑक्सिलरी भाव नहीं है, तो हम डू लेंगे, लेकिन ये सेंटेंस तो पास्ट टेंस में है इसलिए डिड लेंगे, और ये सेंटेंस पॉजिटिव में है, हाँ समबडी वांटेड टू बोरो जैक्स बाइक पॉजिटिव में है इसलिए डिडंट लिखेंगे, और समबडी के बदले इधर क्या रिफ्लेक्ट हुआ, समबडी के बदले रिफ्लेक्ट हुआ इधर दे, जैसे कि हमें रूल्स में बताया गया, तो ये सबके लिए दे होंगे। इज इट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर फॉर एवरीवन हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा नेक्स्ट नंबर 7, स्टेटमेंट्स विद नथिंग समथिंग एवरीथिंग एज द सब्जेक्ट। चीज़ों के बारे में जो हम बताते हैं, नथिंग कुछ भी नहीं है, समथिंग थोड़ा सा है, ये सब चीज़ों के बारे में यूज़ करते हैं हम, एवरीथिंग सब, हाँ तो चीज़ों के बारे में जो यूज़ करते हैं उसके लिए हमारा टैग क्वेश्चन का रूल क्या है। When the subject is nothing, something, or everything, we use it in the tag question. It, we use it. ये जो it है, इसको हम tag question में subject के जगह पे लिखेंगे. It, simply it. जैसे something happened at Jack's house. Jack के घर में कुछ हुआ. So happened. पास्ट टेंस में है, समथिंग हैपेंड विभाव नहीं है इसलिए डू लिया, और पास्ट टेंस में है इसलिए डिड लिया, और सेंटेंस स्टेटमेंट में है इसलिए नॉट भी लिया, डिडंट, और सब्जेक्ट समथिंग के बदले हम क्या यूज़ किए, समथिंग के बदले हम यूज़ किए इट, ये जो इट है खाली समथिंग नहीं, हाँ केवल समथिंग नहीं, नथिंग एवरीथिंग इसके बदले भी हम इट का यूज़ करेंगे एज ए सब्जेक्ट इन टैग क्वेश्चन। सो Something happened at Jack's house, didn't it? Next, number 7, statements with this. This, जिस statement में होंगे उसका tag question हम कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे। When the subject is this, we use it in the tag question. This के बदले भी हम it tag question में use करते हैं, it, जैसे कि this will work, this will work, हाँ, so sentence will इसका विभाव है, और सेंटेंस पॉजिटिव में है इसीलिए विल नॉट और वोंट और दिस के बदले हमारा क्या रिफ्लेक्ट होंगे इधर इट, जैसे कि हमें रूल में बताया गया वोंट इट। आखिर में ये नोट लिखा हुआ है, वी कैन यूज अफर्मेटिव टैग क्वेश्चन आफ्टर अफर्मेटिव सेंटेंस टू एक्सप्रेस ए रिएक्शन सच एज सरप्राइज और इंटरेस्ट। वी कैन यूज अफर्मेटिव टैग क्वेश्चन आफ्टर अफर्मेटिव सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस ए रिएक्शन सच एज सरप्राइज और इंटरेस्ट। यू आर मूविंग टू लंडन, आर यू, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होंगे उसमें अगर सरप्राइज और इंटरेस्ट रिएक्शन देना है हम लोगों को, किसी भी स्टेटमेंट में अगर हम लोगों को सरप्राइज और इंटरेस्ट दिखाना है, उस टैग क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, आर वी से, यू आर मूविंग टू लंडन, ये आर नॉट यू नहीं होगा, हाँ ये अफर्मेटिव में ही होगा, अफर्मेटिव में ही इसका टैग क्वेश्चन बनाना पड़ेगा अगर हमें सरप्राइज और इंटरेस्ट दिखाना है। तो यही तक है, बस इतना ही टैग क्वेश्चन का आज के लिए, आगे देखेंगे और भी कोई रूल है तो हम उसको लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है सबको। थैंक यू एवरीवन।